शहर में रामनवमी पर हुए दंगे के दौरान जिस आनंद नगर क्षेत्र में सबसे ज्यादा हिंसा हुई, उसी क्षेत्र में सोमवार को सामाजिक सद्भाव का नजारा देखने को मिला। यहां एक हिंदू समाज की महिला की मौत होने पर क्षेत्र के हिंदुओं के साथ मुस्लिम समाज के युवाओं ने अंतिम संस्कार की तैयारी की। इसकी सूचना अन्य लोगों को मिली तो उनका कहना था कि यह सांप्रदायिक सद्भावना की मिसाल है जो समाज को नई दिशा देगी। क्षेत्र के संतोष पगारे मोहम्मद शादाब ने बताया, मोहल्ले के सिंधु पति नाथूलाल लंबे समय से बीमार थी। उनके पति की कोरोना काल में मौत हो गई थी, जिसके बाद आर्थिक स्थिति खराब थी। उनके उपचार के लिए भी कई बार मुस्लिम समाज के लोगों ने मदद की। रविवार को तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर दोनों समाज के पड़ोसियों ने राशि इकट्ठा कर उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा था, लेकिन उनकी मौत हो गई। उनके परिवार में 12 साल का बेटा और 15 साल की बेटी है, जो मां की मौत के सदमे में थे। उनके परिवार की स्थिति देख क्षेत्र के लोगों ने अंतिम संस्कार का बीड़ा उठाया। मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि दंगे में जो दूरियां बनाई गई वह किसी भी समाज के हित में नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। ये महिला करीमनगर आनंद नगर पीछे जो करीमनगर वहाँ निवास करती थी, हिंदू समाज की महिला है, मराठा समाज की, जिनका पति पहले ही शांत हो गए थे कोरोना काल में, और ये अचानक रात में मृत्यु हो गई। और इस हिंदू मुसलमान दोनों ने जो है आज मुक्ति धाम में लाकर अंतिम संस्कार मिलकर किया। क्या नाम है आप? संतोष पगारे। हिंदू भाई पति नाथूराम, जिनकी तबीयत कई वक्त से कई समय से ख़राब है, जिनका अभी कुछ महीने पहले डायलिसिस हुआ था और गरीबी से जूझ रहे थे, काफ़ी समय से परेशान थे। अब जो उनके आस पड़ोसी थे वो बेचारे रह नहीं रहे कुछ वजहों से, तो वो मदद करते थे, लेकिन अभी जो कल अचानक उनकी तबीयत ख़राब हुई, इस दौरान मोहल्ले के नौजवान बच्चे और हमीद बाबा इन लोगों ने मिलकर चंदा किया और कुछ पैसों के साथ उनको जो है यहाँ से रवाना किया। रवाना करने के बाद और कहा उनको कि हम कुछ भी पैसे कर रहे हैं आपके लिए, आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर से हेल्थ के लिए जो है मिले, लेकिन रास्ते में उनकी जो है डेथ हो गई। और उनको यहाँ पर लाकर जो है पूरे मोहल्ले के लोगों ने, समस्त मुस्लिम समाज और हिंदू समाज ने उनका मिलजुल करके अंतिम संस्कार किया। और उनके पिछले समय जब उनके पति नथुराम का जो है डेथ हुई थी, वो महामारी के दौरान, जबकि कोरोना काल के अंदर छुआछूत की बीमारी चल रही थी, उस वक्त उन्होंने जो है मोहल्ले वालों ने मिलकर इकबाल बाली और उनके परिवार निसार खान और उनके तमाम भाई और तमाम मोहल्ले वाले जितने जिम्मेदार हजरात थे, उन्होंने उनकी मदद की और उनको अंतिम संस्कार और उनको अपने आखिरी सफ़र तक पहुँचाया। हम तो इस काम के ज़रिए से सिर्फ यही कहेंगे कि मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, इंसानियत को आगे रखेंगे तो इंसानियत पहुंचेगी, और जहर को आगे रखेंगे तो मुल्क के अंदर हालात ख़राब होते रहेंगे। ठीक है, क्या संदेश देंगे आप? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता के साथ रहें और पूरे मुल्क के अंदर इसके ज़रिए से, क्योंकि ये मोहल्ला वो है जहाँ पर कुछ समय पहले, साल डेढ़ साल पहले जो भी हुआ था, लेकिन उसको दरकिनार रखते हुए लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया, और एक गैर के साथ में जो कि दूसरी समाज के हैं उनके साथ में मुसलमान लोग खड़े रहे और हिंदू भी खड़े रहे। मेरा नाम मोहम्मद शहदाब खान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।